अनलॉक द मिस्ट्रीज बिहाइंड रूम 911। फाइनली मैं इस सीरीज को देखने के लिए बहुत दिन से सोच रहा था और अब भाई अब जाके वो रिलीज होने वाली है। काफी समय के बाद इस सीरीज का ट्रेलर मुझे देखने को मिल गया। तो गाइज मैंने हनीमून स्वीट रूम रूम 911 का ट्रेलर देखा जो अल्ट के ऐप पर रिलीज हुई है। अब इस ट्रेलर में क्या अच्छा और क्या बुरा है, सीरीज में कौन कौन है, यही मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए अब फटाफट से कर लेते हैं वीडियो को स्टार्ट। एक तरफ से आप लोगों को समझ लो अल्ट वालों ने ऑफर दिया है, जो लोग मस्तराम नहीं देखेंगे उल्लू के ऐप पर वो हमारी सीरीज को आकर देख सकते हैं। सीरीज का मैंने ट्रेलर देखा और गाइस सीरीज का ट्रेलर उतना ज्यादा तो खास नहीं, लेकिन ट्रेलर देखकर लग रहा है सीरीज अच्छी ही जाने वाली है। सीरीज की स्टोरी की बात रही तो सीरीज की स्टोरी में आप लोग देखोगे एक रिजॉर्ट को हम लोगों को दिखाया गया है और उस रिजॉर्ट में एक रूम है जिसे रूम 911 कह के ये लोग बुलाते हैं। जो भी उस रूम को बुक करता है अगले सुबह भाई उसका मर्डर हो जाता है। कहानी एकदम सिंपल है, लेकिन इसके पीछे जो मिस्ट्री छिपी है, इसके पीछे जो थ्रिल छिपे हैं और इसके पीछे जो चेहरे छिपे हैं जो मर्डर कर रहे हैं, इस वजह से सीरीज गुरु आप लोगों को हो सकता है पसंद आए। और इतना ही नहीं, सीरीज में आप लोगों को युविका चौधरी देखने को मिलेंगी, पूनम पांडे देखने को मिलेंगी, नवीना बोले देखने को मिलेंगी और आभा पॉल देखने को मिलेंगी। इसके वजह से भी सीरीज आप लोगों को कहीं ना कहीं अच्छी ही लगने वाली है। अब काफी दिनों के बाद अल्ट के ऐप पर कोई सीरीज रिलीज हुई है तो हो सकता है ये अच्छी जाए, लेकिन कितनी अच्छी ये तो मैं अभी आप लोगों को नहीं बता पाऊंगा। ट्रेलर वैसे इन लोगों ने बढ़िया ही बनाया है। बात रही यहाँ पे सीरीज के रिलीज डेट की, तो ये सीरीज आप लोगों को 9 दिसंबर को आराम से अल्ट के ऐप पर देखने को मिल जाएगी। अब सीरीज में हम लोगों को एक नहीं चार एक्ट्रेस दिखाई गई है, हो सकता है इन चारों में से एक आपकी फेवरेट हो। अब आप लोगों को कुछ भी नहीं करना, बस मेरे रिव्यू का वेट करना है। जैसे ही सैटरडे का दिन आएगा आपका भाई रिव्यू लेकर पहुंच जाएगा और बता देगा आपके लायक बनी है या फिर नहीं। सीरीज के ट्रेलर को मैंने अच्छे से देखा है और सीरीज के ट्रेलर में भाई सीन दिखाए गए हैं, तो यहाँ पे हम लोग मानकर चले हैं कि सीरीज भी सीन के मामले में अच्छी ही जाने वाली है। अब जैसे ही सीरीज रिलीज हो जाएगी मैं रिव्यू लेकर पहुंच जाऊंगा और बता दूंगा आपके लायक बनी है या फिर नहीं।